रेलवे स्टेशन पर पिछले 40 वर्षों से अपनी रोजी रोटी कमा रहे ऑटो तथा वैन चालकों ने बीते दिन हड़ताल कर रेल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान जनरल टैक्सी स्टैंड यूनियन तथा यूनाइटेड टैक्सी स्टैंड यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर रेलवे ने अपना फरमान वापस ना लिया तो स्टेशन के अंदर आने वाले रास्ते को बंद कर दिया जाएगा। इसी संबंध में वह आज अमृतसर में डॉक्टर राजकुमार वेरका से मिले। वहीं डॉक्टर ने भी उनको भरोसा देते हुए कहा कि वह जल्द ही इस मामले में अमृतसर के MP तथा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन सरदार अमरिंदर सिंह से बात करेंगे। पंजाब सरकार दे पहले ही तकेशाही तो दुखी साढ़े आटो चालक रिक्शे वाले टैक्सी वाले उन्होंने बुरी तरह उत्पीड़न किया जा रहा है और बस कोरीडोर के नाँ के उपर ये शहर के बिच जड़ा इन्हों ने नाके लगा के लोगों को परेशानियों का सबब शुरू किया है और इस कड़ी के अज रेलवे स्टेशन के उपर जड़े 40-40 साल तो टैक्सियां वाले रेलवे नूं किराया दे के आटो वाले रेलवे नूं किराया दे के 40 साल तो अपने बच्चे पाल रहे अज जो बजुर्ग होने की व्यवस्था च भी आ गए अज जो 60-60 साल 70-70 साल की उम्र च भी वह पहुँचन लगे है लेकिन 40 साल बंदियां ने जिन्होंने सर्विस दी हुई है रेलवे स्टेशन के उपर अज अचानक एक मैंबर पार्लियामेंट के रिश्तेदार ठेका दे के ते उना तो जजिया ग्राउंड वास्ते ये काम जरा शुरुआत किया। इसकी मैं निखेधी करना कि ये जजिया सिस्टम ठेकेदारी सिस्टम फौरी तौर पर बंद करन और नहीं तो ये सारे जड़े आटो वाले होंगे कांग्रेस पार्टी उन्होंने नाल स्टैंड करेगी और ये पूरे शहर नूं बंद करांगे हड़ताल करावांगे। ये चीज़ां नूं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस गल का नोटिस जरा है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ये ऑलरेडी रेल मंत्री के ध्यान दे विच लैके आ रहे हैं और सारी पार्टी इन्हां दे नाल खड़ी है और ये धक्केशाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।